हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बीटेक में। तो दोस्तों, जो आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। दोस्तों, मैं पहले बता देता हूँ कि उस वीडियो मतलब कि उस टॉपिक का फुटेज मुझे नहीं मिल पाया, तो इसलिए दूसरे टॉपिक्स के फुटेज यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, जो मतलब कि वो वीडियो है वो है बैकग्राउंड साउंड के ऊपर। तो दोस्तों, आपने हर एक मतलब कि बैकग्राउंड साउंड सुने होंगे, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट या फिर कार्टून शोज या फिर किसी भी टाइप के शोज में आपको हर एक वीडियो में या फिर हर एक एपिसोड सीरियल्स मूवीज हर एक जगह पे आपको बैकग्राउंड साउंड सुनने को मिलता है। तो ये साउंड किस तरह से आपको इन्फ्लुएंस करता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बन जाती है, ये साउंड जहाँ पर भी आपको सुनने को मिलता है, आपके अटेंशन और फोकस को बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। सबसे मुश्किल बात ये आती है इसमें, इसको एडिट करना और मतलब कि इसको किसी एपिसोड या फिर किसी भी चीज़ के साथ मैच करना, क्योंकि दोस्तों हर एक साउंड इफेक्ट अलग अलग फील देता है। अगर वो जो बैकग्राउंड साउंड है वो उस एक्शन या फिर उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो दोस्तों उसमें आपको काफ़ी बड़ा मतलब कि अजीब सा लग सकता है, वो साउंड आपको इरिटेट भी कर सकता है। इसलिए दोस्तों उसको एडिट करना काफ़ी मुश्किल रोल है किसी भी आदमी या फिर किसी भी एडिटर के लिए। तो दोस्तों काफ़ी मुश्किल भी है और काफ़ी ईजी भी है, क्योंकि दोस्तों आपका अटेंशन सबसे जल्दी यही चीज़ गेन करता है जो आपका बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है। आपको दोस्तों जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो आपको गेम्स में भी देखने को मिलता है, जैसे कि पबजी गेम है, उसमें भी आपको हर एक टाइप का जो साउंड होता है, जैसे कि हर एक अलग अलग गन का साउंड होता है, वो आपको बैकग्राउंड में सुनाई देता है। तो दोस्तों बेसिकली जो बैकग्राउंड में कोई भी म्यूज़िक चलाओ उसको ही बैकग्राउंड साउंड कहा जाता है। अगर दोस्तों आपको बैकग्राउंड साउंड यूज़ करना है तो आपको कई टाइप की मतलब कि यूट्यूब में अगर आपको यूज़ करना है तो आपको कॉपीराइट के इश्यूज भी आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों NCS मतलब कि नॉन कॉपीराइट साउंड और एक और एप्लीकेशन है यूट्यूब की खुद की, उससे आप मतलब कि बैकग्राउंड म्यूज़िक ले सकते हैं फ्री में और बिना कॉपीराइट के डर के। दोस्तों जो बैकग्राउंड साउंड है वो आपके एक्शन को हर बार इन्हेंस करता है और जो आपका जो वर्क होगा उसको भी ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकता है। जैसे कि मूवीज़ में हर एक एक्शन के लिए जो होता है साउंड का यूज़ किया जाता है, जैसे कि सैड एक्शन के लिए थोड़ा सैड साउंड और जो हैप्पी एक्शन के लिए हैप्पी साउंड, और जो इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला है उसको आपको मतलब कि बनाए रखने के लिए आपको उस टाइप के साउंड्स का भी यूज़ किया जाता है। और दोस्तों बेसिकली ये साउंड्स काफ़ी अच्छे भी लगते हैं सुनने में, लेकिन दोस्तों बात वहीं पर आ जाती है कि एडिट करना काफ़ी मुश्किल है और दोस्तों इसको मतलब कि यूटिलाइज़ करना काफ़ी आसान हो सकता है अगर किसी को एडिटिंग में परफेक्ट है या फिर वो आप में आपको मतलब कि इतना अच्छे से एडिट कर सकता है साउंड को कि जो मूवी का असली मज़ा होगा वो बैकग्राउंड म्यूज़िक से ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि दोस्तों म्यूज़िक में भी आज की डेट में, जैसे कि आप जानते हो कि म्यूज़िक डायरेक्टर्स भी बैकग्राउंड साउंड का यूज़ काफ़ी ज़्यादा करते हैं, तो दोस्तों इसी तरह से आपको हर एक जगह पे हर एक लिटिल बिट जगह पे आपको इसका यूज़ देखने को मिल ही जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप देखते हैं मेरे चैनल बीटेक में, आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, हर दिन लाता रहूँगा। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद जय भारत दोस्तों।